आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहा है। इसी को लेकर सागर जिले के बंडा में वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो में से 11 लाख रुपए जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक एफएसटी टीम अपनी रूटीन चेकिंग पर लगी हुई थी, जिस दौरान उन्होंने बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी रोकी और चेकिंग के दौरान वाहन चालक सौरभ जैन के पास से 11 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस वाहन के साथ चालक को बंडा थाने लेकर आई और आयकर विभाग को भी सूचना दी गई। आयकर विभाग की टीम दोपहर से शाम तक जांच में लगी रही। वाहन चालक के पिता ने बताया कि यह राशि HDFC बैंक से निकाली थी। शाहगढ़ में उसके परिवार की 3 फर्म है जहां वो पैसे देने के लिए जा रहा था। कुछ नहीं है, बैंक से HDFC बैंक से निकाल के 10 लाख रुपए और 1 लाख कल के निकले रखे हुए थे। वैसे 11 लाख रुपए लेकर के और सायगढ़ दुकान पर मेरी गल्ले की फर्म है सुपासना ट्रेडिंग कंपनी, 9 ट्रेडर्स और एक्साइज इंटरप्राइजेस। एक मेरे छोटे भाई के नाम से है, एक मेरे बालक के नाम से है और एक मेरे नाम से है। तीनों फर्मों का पैसा जाता है। वो स्कॉर्पियो गाड़ी से लेके सायगढ़ जा रहा था तो रास्ते में चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका और पूछताछ करने के पश्चात थाने ले आए। थाने लेकर के आयकर विभाग वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने जानकारी ली और जानकारी लेकर के और अभी मुझे मैंने पैसा नहीं दिया गया है और ना अभी छोड़ा गया है। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बालक चला रहा था। आपकी गाड़ी कहाँ पकड़ी गई? किसी के पास बता रहे। बंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर TV न्यूज़।